क्लास टेंथ विषय हिंदी पाठ संख्या 1। डियर स्टूडेंट, आपकी क्षितिज बुक में जो हमारे पाठ्यक्रम में सिलेबस आ रहे हैं, जैसा कि आपको बताया गया था, क्षितिज के बुक के 2 भाग हैं, क्षितिज गद्यखंड और काव्यखंड। गद्यखंड मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है, आज काव्यखंड का फर्स्ट लेसन सूरदास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहले मैं आपको सूरदास के बारे में बता रही हूँ। सूरदास बाल कृष्ण लीलाओं का मनोरम वर्णन करने वाले हिंदी के साहित्यकाश के सूर्य महाकवि सूरदास के बारे में कहा जाता है, सूर सूर तुलसी ससी उड़गन केशव दास। महाकवि सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। विद्वानों में इनके जन्म स्थल के बारे में भी मतभेद है। कुछ मान्यता के अनुसार इनका जन्म आगरा मथुरा मार्ग पर रुनकता क्षेत्र में हुआ मानते हैं, लेकिन कुछ विद्वान ये मानते हैं कि इनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सोही को मानते हैं। इनकी मृत्यु 1583 में पारसोली में हुआ, इनका निधन हुआ था। महाप्रभु वल्लभाचार्य के अष्टछाप कवियों में सूरदास सर्वाधिक ख्याति प्राप्त कवि थे। ये मथुरा में गऊ घाट पर रहकर श्रीनाथ के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। इनकी प्रमुख रचनाएं देखिए, जो सूरदास जी थे, इन्होंने बाल कृष्ण की लीलाओं का मनोरम वर्णन अपनी रचनाओं में किया है। माना जाता है कि सूरदास ने 125,000 पदों की रचना की थी। ठीक है, कि अब तक इन्होंने जब जन्म से लेके जब से ये लिखने लगे मृत्यु तक इन्होंने 125,000 पदों की रचना की, जिसमें 7,000 पद ही प्राप्त हुए हैं। मान्यता के अनुसार ऐसा कहा गया है कि सूरदास जी ने 125,000 पदों की रचना की थी, लेकिन इनके जो लिखे पद वो 7,000 पद ही प्राप्त हुए हैं। सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली में सूर सागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ है। ठीक है, सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जिसमें सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन सा रहा है? सूर सागर। खेती और पशुपालन और भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। ये अभी आपको ग्रामर में रस का टॉपिक आएगा, वो रस करवाऊंगी। तो सूरदास के लिए कहा गया है ये वात्सल्य रस और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्य को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में जो उनकी भाषा शैली है उसमें ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। अर्थात इनकी जो भाषा शैली है वो क्या है? ब्रज भाषा को ही इन्होंने ज़्यादा महत्व दिया है। ठीक है, अपने पदों में इन्होंने रस अलंकारों का प्रयोग किया है। मानव मन की सहज वृत्तियों का जैसा निरूपण इनकी कविताओं में मिलता है वैसा और कहीं नहीं मिलता। एक बार और इनकी भाषा शैली के बारे में देख लीजिए। सूरदास मूलतः वात्सल्य और श्रृंगार भक्ति के श्रेष्ठ कवि माने गए हैं। इनकी कविता में ब्रज भाषा का परिकृष्ट रूप देखने को मिलता है। इनके पदों में रस अलंकारों की भी प्रचुरता है और इन्होंने मानव मन की सहज वृत्तियों का जैसा निरूपण इनकी कविताओं में मिलता है वैसा कहीं और नहीं मिलता। ठीक है, ये तो था कवि परिचय। अब हम आते हैं, देखिए पद संख्या 1। उदो तुम हो अति बड़ भागी। बेटा, सभी स्टूडेंट्स अपनी पेंसिल पास लेके बैठे, जब समझाया जाए तो हर
शब्द का जो भी हार्ड वर्ड बताया जाए उसे उसी समय अपनी बुक में नोट कर लो। उधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देहे न दागी, जूबल माँ तेल की गागर, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबलाहम भोरी, गुर चाटी ज्यो पागी। पहले आप इसमें हार्ड वर्ड लिखिए बेटा, उदो, उदो, उदव श्री कृष्ण के मित्र। अति बड़ भागी, अति बड़ भागी बड़े भाग्यशाली, ठीक है। नेक्स्ट अपरस, दोबारा से देखिए, उदो, उदव बड़ भागी भाग्यशाली, अपरस, अपरस मीन्स मुक्त, अपरस मुक्त, स्नेह, स्नेह मीन्स प्रेम, तगा, तगा धागा, नाहिन, नाहिन मीन्स नहीं, अनुरागी, अनुरागी मीन्स प्रेम में मग्न, प्रेम में मग्न, पुरैन कमलनी, कमलनी पात पत्ते, ठीक है। देह, देह मीन्स शरीर, दागो दाग युक्त, दागो दाग युक्त, महा, महा में, ठीक है। ये सारे आप नोट करते जाओ। गागरी, गागरी मीन्स गागर कलश, ताको उसको, ताको उसको, लागी लगी, ठीक है। पाँव, पाँव पैर, बोर्यो, बोर्यो डुबोना, परागी मुग्ध हुई, अबला, अबला स्त्री, भोरी भोली, चांटी चींटी, पागी चिपकी हुई, गुर गुड़। देखिए बेटा, मैंने मोस्टली हर शब्द का आपको अर्थ बता दिया है। जो भी शब्द का अर्थ आपको बताया जा रहा है उसे उसी समय आप नोट कर लो, जिससे आप जब व्याख्या करेंगे आपको समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। उधो तुम हो अति बड़भागी, इसमें गोपियों ने, गोपियां उधो पर व्यंग करती हैं। देखिए किस समय की बात है, जब ब्रज से श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं गोपियों को छोड़कर, और एक निश्चित समय अवधि बता के जाते हैं कि इस समय पर मैं वापस अपने काम करके ब्रज में आ जाऊंगा। लेकिन उस समय अवधि समाप्त हो जाती है और कृष्ण स्वयं न आकर अपने मित्र किसे भेज देते हैं, अपने मित्र उद्धव को भेजते हैं। तो उद्धव, देखिए जब वो अपने मित्र उद्धव को भेजते हैं तो गोपियां उद्धव पर व्यंग करती हैं। कृष्ण उद्धव को अपना संदेशा देकर भेजते हैं मथुरा से ब्रज में, लेकिन जो ब्रज की गोपियां हैं वो तो कृष्ण के विरह में कृष्ण की इंतजार करती रहती हैं, और जब वो देखती हैं कि कृष्ण स्वयं नहीं आया और उन्होंने अपने मित्र उद्धव को भेजा है, तो गोपियां देखिए क्या कहती हैं कृष्ण से। तो उस समय गोपियां किस तरीके की बातें करती हैं, उधो तुम हो अति बड़भागी, वो उधो पर गोपियां व्यंग करती हैं, हे उधो आज तुम सचमुच बड़े भाग्यशाली हो। उधो तुम हो अति बड़भागी, ये गोपियां कह रही हैं, किसको कह रही हैं, उधो को। उधो कौन है, कृष्ण का मित्र।
उधव तुम हो अति बड़भागी। यहाँ उसको वास्तव में ये नहीं कह रही कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, व्यंग के रूप में कह रही हैं उधव तुम हो अति बड़भागी, उधव तुम वास्तव में बहुत भाग्यशाली हो। अपरस रहत सने तगाते नाहिन मन अनुरागी, तुम प्रेम की डोर से मुक्त रहे हो, कभी प्रेम बंधन में नहीं जकड़े। अपरस रहत सने तगाते नाहिन मन अनुरागी, अर्थात तुम प्रेम की डोर से हमेशा मुक्त रहे, कभी प्रेम बंधन में नहीं पड़े, आपके मन में प्रेम का अनुभव ही नहीं आया। पुरैन पात रहत जल भीतर, अर्थात तुम हमेशा कृष्ण के पास रहते हुए भी तुम्हारे हृदय में प्रेम नहीं उत्पन्न हुआ। तुम्हारी स्थिति तो ऐसी है, पुरैन पात रहत जल भीतर, जैसे कमलनी के पत्ते जल के भीतर रहते हुए भी उससे नहीं भीगते। ज्यों पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देहे न दागी, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं हे उद्धव तुम तो कमलनी के उस पत्ते के समान हो जो जल में रहकर भी, ठीक है, जल के भीतर रहते हुए भी उससे वो पत्ते नहीं भीगते, अर्थात उसी प्रकार तुम भी संसार में रहते हुए प्रेम के तरल स्पर्श से वंचित रहे। किसके समान? जैसे कमलनी के पत्ते जल में रहते हुए भी जल से नहीं भीगते। जू जल महा तेल की गागर, और उदाहरण गोपियाँ क्या कर रही हैं, व्यंग कर रही हैं, जू जल महा तेल की गागर बूंदनता को लागी। जिस प्रकार गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि जिस प्रकार तेल से लिपी हुई गगरी जल के बीच रहते हुए भी उसकी एक भी बूंद अपने ऊपर नहीं ठहरने देती। तेल से लिपी, आपने किसी कलश पे चारों तरफ तेल लगा दिया हो और उस तेल से भरी उस पात्र को नदी में डुबो तो बाहर एक बूंद भी पानी उस पर नहीं रहेगी। उसी प्रकार प्रेम जगत में रहते हुए भी आप उसका बूंद भर भी आस्वादन नहीं कर पाए। जूं जल माँ तेल की गागर बूंदनता को लागी, प्रीति नदी में पाऊ न बोरो दृष्टि न रूप परागी। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव तुमने प्रेम रूपी नदी में, प्रीति नदी में पाऊ न बोरो, प्रेम रूपी नदी में स्नान करना तो बहुत दूर की बात। गोपियाँ किसे कह रही हैं? उद्धव को। हे उद्धव प्रेम रूपी नदी में स्नान करना तो बहुत दूर की बात, तुमने तो उसमें पैर तक भी नहीं डुबोए, ठीक है, प्रेम रूपी नदी में स्नान करना तो तुम्हारे लिए बहुत दूर की बात है, तुम्हारी दृष्टि में कभी किसी के रूप पर मुग्ध नहीं हुई। दृष्टि ना रूप परागी, तुम्हारी दृष्टि कभी भी किसी के रूप पर अनुरक्त नहीं हुई, मुग्ध नहीं हुई। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ क्या कह रही हैं, ये तो हम, सूरदास जी कह रहे हैं, ब्रज की गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं हे उद्धव ये तो हम भोली भाली नारियाँ हैं जो श्री कृष्ण के प्रेम जाल में फंसी हुई हैं। इस तरह से हम श्री कृष्ण के प्रेम में फंसे हुए हैं जैसे मिठास की लोभी चींटियाँ गुड़ से चिपकी रहती हैं। गोपियों ने उद्धव को व्यंग की आड़ में अभागा सिद्ध किया और प्रेम रूपी अमृत के स्वाद से उन्हें वंचित बताया। देखिए गोपियों उद्धव से क्या कह रही हैं कि हे उद्धव हमारा जो प्रेम है वो कृष्ण के प्रति कैसा है, गुड़ से चिपकी हुई चींटियों के समान। और तुम्हारी स्थिति कैसी है? कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी, कृष्ण के साथ रहते हुए भी तुम्हारे हृदय में प्रेम नहीं उपजा, कृष्ण के प्रति तुम्हारे हृदय में, इस संसार के प्रति तुम्हारे हृदय में प्रेम नहीं उपजा। उद्धव पर व्यंग कर रही हैं, उद्धव तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो, तथा तुम्हारी स्थिति तो उस कमलनी के समान है। देखिए कमल का जो फूल होता है वो बेटा पानी में होता है कमल, ठीक है, जल में कमल का पौधा होता है, लेकिन वो कमल के पत्ते पर
बूंद भी पानी नहीं रुकती, ठीक है, क्योंकि वो पत्ता बाहर होता है ना। इसी तरह गोपियां उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, तुम्हारी स्थिति तो उस कमलनी के पत्ते के समान है। दूसरा क्या कहती हैं कि जैसे जल से लिपी हुई गागर को अगर आप जल में डुबो दोगे तो उस पर एक बूंद भी पानी नहीं टिकेगा। दूसरा गोपियां उद्धव से क्या व्यंग करती हूँ, कह रही हैं, हे उद्धव, ऐसा लगता है तुमने प्रेम रूपी नदी में कभी पाँव नहीं डुबोया, अर्थात स्नान करना तो दूर की बात, तुमने कभी पाँव भी नहीं डुबोया। और दूसरा गोपियाँ क्या कह रही हैं, हमारा जो प्रेम है, सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं, हमारा जो प्रेम कृष्ण के प्रति है वो गुड़ पे लगी चींटियों के समान है। जैसे चींटियों को गुड़ मीठा पसंद होता है तो जहाँ भी मीठा हो चींटियाँ वहाँ जाकर चिपक जाती हैं गुड़ पे, उसी तरह हमारा भी प्रेम जो है वो कृष्ण के प्रति गुड़ पे लगी चींटियों के समान है। समझ आया फर्स्ट पद? सेकंड पद है, मन की मन ही मांझ रही कहिए जाई कौन पे उधो, ना ही परत कही अवधि आधार आस आवन की, तन मन व्यथा सही अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी, विरनी विरह दही चाहती होती गुहारी जितही, जे उतते धार बही सूरदास अब धीर धरई क्यों मर ज्यादा न लही। देखिए सेकंड पद है, मन की मन ही मांझ रही। अब इसके भी आप शब्दार्थ देखिए, मन की मन ही मांझ रही कहिए जाए कौन पे उदो, ना ही परत कही मांझ। मांझ मीन्स मांझ भीतर या मैं, कौन पे, कौन पे किससे, कौन पे किससे, अवधि एक निश्चित या निर्धारित समय, अवधि होता है निश्चित या निर्धारित समय, आधार सहारा, आधार सहारा, आस आस आशा, ठीक है, आवन की, आवन की आने की, व्यथा व्यथा या पीड़ा दुख, ठीक है, जोग जोग योग, विरनी वियोगिनी, ठीक, विरह वियोग, ठीक। नेक्स्ट है दही जली, दही मीन्स जली, हुती थी गुहारी, गुहारी मीन्स पुकार, धारा धार धारा, ठीक है, मर ज्यादा, मर ज्यादा मर्यादा, लही रखी, ठीक है। ये जो भी आपको हार्ड वर्ड बता रही हूँ इन्हें आप नोट करते जाइए, ठीक है। मन की मन ही मांझ रही कहिए जाई कौन पे उधो, ना ही परत कही अवधि आधार आस आवन की, तन मन व्यथा सही अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी, विरनी विरह दही चाहती होती गुहारी जितही, ते उतते धार बही सूरदास अब धीर धरई क्यों मर ज्यादा ना लही। देखिए इसमें गोपियां उद्धव से क्या कह रही हैं, मन की मन ही मांझ रही कृष्ण की उपेक्षा से, क्योंकि गोपियों को कृष्ण एक निश्चित समय बता के गए थे कि मैं जरूर ब्रज में लौट कर आ जाऊंगा, और वो आए नहीं,
स्वयं तो आए नहीं और उन्होंने अपना संदेशा किसके हाथ भेज दिया? अपने मित्र उद्धव के हाथ। तो गोपियाँ बहुत अधिक व्यथित होती हैं और उपेक्षा से व्यथित गोपियाँ उद्धव को उलाहना देती हुई कहती हैं, हे उद्धव, हमारे सारे प्रेम मनोरथ मन के मन में ही रह गए, मन की मनी मांझ रही। हे उद्धव, हमारे सारे मन के मनोरथ, मांझ मीन्स में या भीतर, हमारे सारे मन की बातें मन में ही रह गई। क्योंकि अब तक हम सोच रहे थे कृष्ण आएंगे, हम उन्हें अपने मन की ये बातें कहेंगे, लेकिन अब हमारी सारी मन की बातें मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन पे उदो, ना ही परत कही। हे उदो, ना हमें कृष्ण से प्रेम करने का आनंद मिला और ना ही हम विरह व्यथा ही व्यक्त कर पाए। अब आप ही हमें बताइए कि हम अपनी वियोग की पीड़ा किसे जाकर सुनाएं? ता जिसे सुनाना चाहती थी वे तो मथुरा में जा बसे। कहिए जाए कौन पे उद्धव, हे उद्धव, अब हम अपनी प्रेम रूपी व्यथा किसे जाकर सुनाएं? ना ही परत कही कि जिसे हम सुनाते वो तो कहाँ चले गए, मथुरा में चले गए। अब हम किसे अपनी पीड़ा को सुनाएं? किसी के सामने तो हम अपनी व्यथा को कह भी नहीं सकते निसंकोच होकर, जैसे हम उन्हें अपनी पीड़ा बताते। अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी विरनी विरह दही। गोपियाँ क्या कह रही हैं उद्धव से कि हे उद्धव, इसी आशा पर हमने तन और मन को व्यथित करने वाले वियोग के दिन काटे। अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी विरही विरह दही कि अब तक तो हम सिर्फ यही दिन विरह के काट रहे थे कि वो आएंगे, कोई बात नहीं, ये समय बीत जाएगा, एक दिन आएगा कृष्ण स्वयं आएंगे। परंतु अब आपके इस योग संदेश को सुन सुनकर हम विरणियों की विरह अग्नि और भी धधक रही है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, अब इन योग संदेशन सुनी सुनी तुम्हारे इस योग के संदेश को सुनकर अब हमारी विरह की अग्नि और भी अधिक धधक रही है। जिससे अपनी रक्षा की पुकार करती उसने तो यह योग की प्रबल धारा हमारी ओर बहा दी। चाहती उती गुहारी जितई उतते धार वही। गोपियाँ कह रही हैं कि जिससे हम हमारे प्रेम की व्यथा कहते, हमारी विरह की व्यथा सुनाते, ठीक है, जिससे हम अपने मन की बात कहते, उसने तो यह योग की प्रबल धारा अर्थात तुम्हारे हाथ योग का संदेश हमारे लिए भेज दिया है। अब हम कैसे धैर्य धारण करें? सूरदास अब धीर धरे। क्यों? गोपियाँ कहती हैं कि हे सूरदास, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि अब हम और धीरज कैसे धरें? अब धीर धरे क्यों मर जादा न लही। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि अब हम और कैसे धीरज धारण करें? कृष्ण ने तो प्रेम की सारी मर्यादाएं क्या की हैं, उसने तो प्रेम की सारी मर्यादाएं तोड़ दी, लौटने का वचन तो भंग किया ही, प्रेम संदेश के स्थान पर यह योग का संदेश भिजवा दिया, अब उनसे क्या हम आशा करें? गोपियां देखिए उद्धव को उलाना दे रही हैं, कृष्ण के बारे में कह रही हैं कि सूरदास अब धीर धरे। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कह रही हैं कि अब हम और धीरज कैसे धारण करें? उन्होंने स्वयं तो आए नहीं बल्कि तुम्हारे हाथ योग की धारा हमारे लिए भेज दी, अर्थात योग का संदेश भेजा है, अब हमसे और मर्यादा में नहीं रहा जाएगा और अब हम कितना सहन करें? दोबारा देखिए, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उद्धव, ना ही परत कही। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, किस समय की बात है जब कृष्ण स्वयं ब्रज में नहीं आते, अपने मित्र उद्धव के हाथ गोपियों के लिए योग का संदेश भेजते हैं? तो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, मन की मन ही मांझ रही कि हमारे तो मन की सारी बातें मन में ही रह गई, तब हमने कितना कुछ सोचा था कि कृष्ण आएंगे, हम उन्हें अपने मन की बातें कहेंगे,
कहिए जाए कौन पे उदो नाही परत गई, हर मन की बात हर किसी से नहीं कही जाती। अब उदो तुम ही हमें बताओ कि हम किससे जाकर अपने मन की व्यथा कहें। अवधि आधार आ सावन की, तन मन व्यथा सही, कि उन्होंने हमें एक निश्चित अवधि दी थी कि मैं इस समय पर वापस लौटकर आ जाऊंगा, तो हम अपनी विरह व्यथा जो उन्होंने अवधि दी थी कि इस पर मैं आ जाऊंगा, तो हम वियोग की पीड़ा सहते रहे, लेकिन अब और हमसे सहन नहीं हो रही। जब तक हमें विश्वास था कि कृष्ण अपनी अवधि पर लौट आएंगे, इसी आशा से हमने तन और मन की को व्यतीत करने वाले वियोग के दिन भी काटे। अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी विरिनी विरे दही, गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, अब इस योग संदेश को सुनकर हम विरणियों की विरह अग्नि और भी धधक उठी है कि ये योग का संदेश सुनकर, जिससे अपनी चाहती होती गुहारी जीते, अर्थात जिससे अपनी रक्षा की पुकार करती कि जो हमारी रक्षा करते कौन, कृष्ण जी, और आज उन्होंने ही हमारे लिए योग की प्रबल धारा को भेज दिया, अर्थात तुम्हारे हाथ योग का संदेश भेज दिया है, जिससे अपनी अब हम सूरदास अब धीर धरई क्यों मर ज्यादा न लई। गोपियाँ कहती हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि हे उद्धव, अब हमसे सूरदास अब धीर धरई क्यों, अब हम और कितना धैर्य धारण करें, और अब हमसे धैर्य धारण नहीं होता, क्यों मर ज्यादा न लई, कि अब हम और कितनी मर्यादा में रहें, अब हम और मर्यादा में नहीं रह सकते। ठीक है, समझ आया। फर्स्ट पैराग्राफ में गोपियों ने उद्धव पर व्यंग किया, ठीक है, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, ठीक है, उद्धव पर व्यंग किया और उद्धव को बताया, उद्धव के लिए कहा कि तुम्हारे हृदय में प्रेम नहीं है, तुम्हारी स्थिति तो उस कमलनी के पत्ते के समान है जो जल में रहकर भी जल उस पर नहीं टिकता। दूसरा उद्धव के लिए कहा कि तुम्हारी स्थिति तो ऐसी है जैसे तेल से लिपी गागर को अगर पानी में डाल दिया जाए तो उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती, अर्थात कृष्ण के साथ रहते हुए भी, उनके सानिध्य में रहते हुए भी तुम्हारे हृदय में प्रेम भाव उत्पन्न नहीं हुआ। दूसरा गोपियाँ क्या कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, हमारी स्थिति तो ऐसी है जैसे गुड़ पर चिपकी हुई चीटियाँ, अर्थात हमारी स्थिति तो श्री कृष्ण के प्रति हमारा जो प्रेम है वो कैसे है, गुड़ पे लगी चींटियों के समान। जैसे चींटियों को गुड़ पसंद होता है, मीठा पसंद होता है, कोई भी मीठी वस्तु, चींटियां स्वतः ही वहाँ पहुँच जाती हैं और उस मीठी वस्तु के चारों तरफ चिपक जाती हैं। तो गोपियाँ कह रही, हमारा जो प्रेम है कृष्ण के प्रति वो गुड़ पे लगी चींटियों के समान है। फर्स्ट पैराग्राफ में ये बताया आपको। सेकंड में था मन की मन ही मांझ रही, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कृष्ण की उपेक्षा से व्यथित गोपियाँ, क्योंकि कृष्ण ने उन्हें एक निश्चित समय दिया था आने का, उस समय पर वो ब्रज में आते नहीं और बल्कि योग का संदेश भेज देते हैं, किसके हाथ, उद्धव के हाथ। तो गोपियाँ बहुत अधिक व्यथित हो जाती हैं और वो उद्धव से कहती हैं मन की मन ही मांझ रही, हमारे मन की सारी बातें मन में ही रह गई, कहिए जाए कौन पे उदो, कि अब आप किससे जाकर कहें, अर्थात मन की हर बात हर किसी के आगे कही नहीं जाती। अब तक तो हमें एक अवधि थी कि हाँ इतनी अवधि पर कृष्ण आ जाएंगे, एक विश्वास था कि इस समय तक आ जाएंगे, कोई बात नहीं, इस समय तक हम विरह वेदना को सह लेते हैं, उस कष्ट को सह लेते हैं। लेकिन अब इन योग संदेशन सुनी सुनी गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, अब तुम्हारे इस योग के संदेश को सुनकर, ठीक है, तुम्हारे इस योग के संदेश को सुनकर हम विरणियों की विरह अग्नि और भी अधिक धधक उठी है, जिससे अपनी रक्षा की पुकार करती हैं, उसने तो यह योग की प्रबल धारा हमारी ओर बढ़ा दी। सूरदास अब धीर धरे क्यों मर ज्यादा न लई, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, अब तुम ही हमें बताओ कि हम अब और धीरज कैसे धारण करें, अर्थात और हम कितना
धैर्य रखें, अब हम और मर्यादा में नहीं रह सकती, अर्थात और अब हमसे सहन नहीं हो सकता। ठीक है, ये दो पद आपको मैंने समझाया, सूरदास के पद फर्स्ट और पद सेकंड। ठीक है, और सूरदास के बारे में बताया, सूरदास कृष्ण की लीलाओं का उन्होंने वर्णन किया, उनकी रचनाएं सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी है। सूर सागर उनका सबसे प्रमुख माना गया उनका ग्रंथ। ठीक है, तो सूरदास की भाषा कौन सी है? ब्रजभाषा। तो बेटा ये दो पद आपको समझ आए, इनको अच्छे से इसकी व्याख्या को सुनना समझना। जैसा कि आपको पहले मैंने कहा है कि हर वर्ड का पहले अर्थ आप लिख लेना, जो मैंने आपको हार्ड वर्ड बताए हैं, फिर आप व्याख्या की वीडियो को सुनना अच्छे से और समझना। कोई भी डाउट हो तो अपने डाउट ज़रूर क्लियर करना। ओके बेटा, थैंक यू।